देखिए यहाँ पे हम लोग बैठ रहा था तो एक भाई ने गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज को भी पूरा सुबह सुबह गाइस बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों। इसके लिए हम लोग अदरक बारी में भी सुबह सुबह जाने नहीं सक रहा है। तो यही है, मतलब इतना ज़्यादा धूप है ना दोस्तों, तो इसमें रहने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से कारेंट नहीं है तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस। तो रात में सोने के लिए भी ऐसे ही होता है। तो 3 दिन गाइस, 3 दिन से बहुत ज़्यादा धूप दे रहा है, बहुत कड़क से, नहीं तो बारिश भी दे रहा था। तो रात को थोड़ा थोड़ा देगा जैसा, मतलब 2-3 बार टक टक टिक टिक गिरता है, मतलब 1-2 बूंद ऐसा, लेकिन मतलब पूरे जोर से आने नहीं सकता है। और बारिश का भी इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बारिश का भी इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी धान का लगाने का सीज़न है, तो जो 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 लोग भी धान लगाता है तो वो लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा बारिश का ज़रूरी है। तो अभी तो फिलहाल बारिश तो नहीं आ रहा है, 3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है दोस्तों। ऐसे अभी ब्रेकफास्ट निकाल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे देखिए। और ये देखिए खीरा का चटनी है, खीरा का अचार, वो तिल का अचार मिक्स करके बनाया दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दूध पूरा निकाल रहा है, क्योंकि आज दाल नहीं है, इसके कारण से दूध का साथ में खाएंगे। यहाँ पे आलू का करी है, चटनी है, उसके बाद में दूध का साथ दोस्तों खा लेते हैं दोस्तों। पूरा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर भी खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। तो और ठंडा से भी अच्छा गरम गरम में ही खाना अच्छा होता है, तो इसीलिए गाइस खा ले। गाइस अभी खाना भी खा ले, बहुत इतना ज़्यादा गर्मी दोस्तों, खाना खाने भी नहीं सकता ऐसा गर्मी में ना, ज़्यादा खाना खाने भी नहीं सकता है। और ऊपर से देखिए पूरा यहाँ पे सोलर लगा दिया, और यहाँ पे देखिए मगा, इसको सुखाना पड़ेगा, सुखा के 2-3 बार सुखाने से उसके बाद में मशीन में ले जाकर पीसने के लिए, बहुत अच्छा होता है। और दाना वाना में थोड़ा थोड़ा डालना डालना पड़ता है ना, तो अच्छा हो जाता है गाइस। देखिए यहाँ पे हम लोग बैठ रहा था तो एक भाई ने, वाह गाइस इतना बड़ा ये ना सोल मछली मिला है दोस्तों, दिखाओ अच्छे से दिखाओ। ओ भाई साहब, गाइस कैसे मिला इसको बंछी? वो क्या से क्या चारा क्या लगाया था? बेंग बेंग लगाया था, देखिए मेंढक लगा के पूरा इतना बड़ा सा मिल गया दोस्तों। वाह गाइस देखिए, फर्स्ट बार में निकलना है पर लास्ट में निकाल दूंगा। अच्छा पहली बार में निकालने नहीं मिला है, सकाई बोला तो नेक्स्ट टाइम में पूरा निकाल लिया बोले। वाह गाइस कितना केजी होगा ये दिखाओ तो? 3 केजी हो जाएगा ना, 3 किलो पूरा हो जाएगा, लेकिन 3 किलो ज़्यादा ही हो सकता है। इसको बोलता है सोल मच्छी ना। वाह गाइस पूरा खुश ना, कि खाएगा ना, बिक्री करेगा इसको, खाएगा। ओ भाई साहब पूरा आजको तो ना गाइस, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग ये बड़ा सा पेड़ का नीचे में पूरा बैठा हुआ है, नंगा पुंगा होकर सब लोग बैठा, राजी भैया लोग का साथ में बैठा हूँ। और यहाँ पे भैया ने पूरा एलिफेंट आपल को पूरा मिर्चा दे के इसको पूरा सान दिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सलाद जैसा ना पूरा कर दिया है। तो अभी खाएगा इसको, क्योंकि गर्मी में खाने के लिए बहुत अच्छा होता है ना, तो अभी मज़ा से खाएगा गाइस। देखिए वाह बहुत गर्मी है, मतलब बहुत झाल है ना। देखिए टेस्टी भी है। ये देखिए दोस्तों, टेस्टी। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि वो पेड़ में पूरा नीचे में बैठने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा आता है ना वहाँ पे, तो इसीलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके चेयर में कारपेट बिछा के बैठता है। वहाँ पे पूरा एलिफेंट वहाँ पे लोग पूरा वो सलाद बना के भी खाया दोस्तों। और अभी फिलहाल जा रहा हूँ घर में, क्योंकि मोबाइल चार्ज करना है, पूरा बैटरी खत्म हो रखा है मेरा, ओनली 13% है, तो इसलिए अभी घर जा रहा हूँ दोस्तों, चार्ज में लगाऊंगा। और घर में जाने के लिए दिल नहीं लगता है, अंदर में घुसने से पूरा गर्मी हवा आता है ना, तो इसलिए बाहर में बैठते रहता हूँ ज़्यादातर। और इसीलिए मैं और आज कहीं जाएगा सोचा था, तो वहाँ पर जाने के लिए भी नहीं हुआ। सिक्कू लोग तो जा रहा है, सिक्कू बीके ब्लॉग्स लोग, तो मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि जाने के लिए भी कुछ कुछ चाहिए होता है कि नहीं, तो ऐसे जाके तो फ़ायदा नहीं, वो लोग जा रहे हैं लामा टाइम, तो मैं अभी चार्ज लगा लेता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं जाने भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे देखिए मम्मी पूरा रोटी बना रही है, यहाँ पे देख सकते हैं सूखा रोटी ना तेल लगा के पूरा, गाइस देख सकते हैं यहाँ पे 12 बजे मतलब लंच के लिए, हाँ रोटी खाएगा बोल के ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बना के गोल गोल करके रेडी हो रखा है, और यहाँ पे एक एक करके बना रहा है गाइस। देखिए रोटी और ये चना दोनों मतलब रेडी हो चुका है दोस्तों, और अभी खा लेते हैं गाइस, कैसा ट्राई करते।
ये अलग सा है, ये अलग सा है क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं है ना, तो ये वाला फ्रेश है, तो मैंने गलती से यहाँ पे सुखाया था ये वाला, तो मैं थोड़ा सा मिक्स कर दिया गाइस, और इसीलिए इसको अलग अलग से करना पड़ेगा। तो जितना भी यहाँ पे था तो ये एक एक, एक बस्ता में डालना है, तो ये अलग सा बस्ता में डालना है। देख सकते हैं पूरा सूख चुका है ना, तो ये दो बार तीन बार जैसा इतना कड़क धूप है तो वहाँ पे पूरा सुखा दिया, इसको पूरा सूख चुका है, तो इसका अभी मशीन में पिसाने के लिए बहुत ईजी होगा, तो अच्छा से निकलेगा, इसका रोटी भी बनेगा खाना भी बनेगा दोस्तों। तो देखिए गाइस, अभी देखिए अलग अलग से कर दिया, दो जगह भी हो चुका है दोस्तों, और मेरा पूरा पसीना पसीना, देखिए बहुत इतना ज़्यादा गर्मी ना, अभी धूप भी नहीं है फिर भी थोड़ा सा काम कर देगा, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना निकल रहा है गाइस। देखिए तो अभी नहाना भी पड़ेगा गाइस, इसको रख लेते हैं उसके बाद में नहाते। देखिए आज घर पे पूरा बॉइलिंग बनेगा दोस्तों, बहुत सारे सब्जियां पूरा मिक्स करके ना, एक्चुअली ये पासीघाट से मम्मी ने ले गया था, तो आज उसको बनाने जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते पूरा बहुत सारे साग सब्जी यहाँ पे है ना, तो मिक्स करके कोई ये बर्मा धनिया गाइस इसको भी मिक्स होगा दोस्तों, तो देख सकते हैं आज को पूरा बॉइलिंग होगा, क्योंकि गर्मी में बॉइलिंग खाने बहुत ही बढ़िया रहता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बम्बू सूप पूरा लगा दे, बम्बू सूप में मतलब टेंगा का साथ में ना बहुत ही टेस्टी होता है बनाने के लिए खाने के लिए दोस्तों। तो वही है अभी पूरा रेडी कर रहा है, देखिए पापा ने वहाँ पे देखिए मिर्ची लहसुन वगैरह जो भी है सब कुछ वहाँ पे मिक्स कर रहा है दोस्तों, और पूरा ये सब लगा के खाने के लिए बहुत बढ़िया आता है दोस्तों। बहुत दिनों के बाद में खा रहा है, क्योंकि पहले भी एक बार खाया था, एक दो बार बहुत टेस्टी हुआ था ना, तो अभी फिर से खाने वाला हूँ दोस्तों आज को, आज को डिनर में ये होगा गाइस, तो बने रहिएगा दोस्तों, आज को बहुत मज़ा आने वाला गाइस। अभी देखिए यहाँ पे पूरा वो आग चला रहा है, मतलब धुआं कर रहा है एक्चुअली में, देख सकते हैं मच्छर के लिए ना, ये पूरा मज़ा से सुन रहे, देखिए क्या कर रहा है, बोल के सोच रहे हैं ये जो, और यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा दिकदार करता है ना, इसीलिए डिस्टर्ब करता है, काटता है ना, तो इसके लिए देखिए पूरा ये वाला जो है गाइस, ये वाला है, ये पूरा भूसी है ना, ये लकड़ी का है भूसी, और ये वाला जो देखिए ये इसको बोलता है, ये मकई का है ना, लकड़ी का काम करता है, मैंने बोला था आपको, तो मकई जो कौन जितना भी था वो निकाल दिया, उसके बाद में उसका अंदर वाला ये है, ये पूरा जलता है, ये लकड़ी का काम करता है, पूरा धुआं 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 करके रखता है ना, तो इसीलिए गाइस देखिए। तो गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पे डिनर करने का टाइम हो चुका है, ये है आपका बॉइलिंग दोस्तों, मैंने दिखाया था तभी को, और ये चना का है, और ये देखिए आम का अचार जो कि मम्मी ने लेके आया था, तो उसी से आज अभी डिनर करेंगे दोस्तों, बने रहिएगा। पूरा गर्मी गरम गरम है ना, ऊपर से गर्मी है, बहुत दिन बाद में बॉइलिंग खा रहा है दोस्तों। अभी खाना पीना भी हो चुका है दोस्तों, और अभी यहाँ पे बाहर में आंगन पे बैठ रहा है, तो पूरा आज को तो बहुत ज़्यादा गर्मी इतना नहीं लग रहा है, क्योंकि जब आंगन बाहर में बैठता है ना चेयर में, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो अभी फिलहाल 9 बज के पार हो चुका है, तो
आज को तो ज्यादा कुछ दिखाना नहीं था गाइस, घर में रहा। कुछ दिनों से ऐसे हो रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप हो रहा है तो कहीं जाने भी नहीं सक रहा है, और धूप की वजह से ना काम करने भी नहीं हो रहा है दोस्तों। तो यही था व्लॉग, कैसा लगा बताइए। अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं कल और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।